नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको प्रत्येक पंचायत में नए नए प्रत्याशियों से मिलवा रही है और उनसे जानने का कोशिश कर रही है कि इस बार का जो पंचायती राज चुनाव है, यहाँ के जो प्रत्याशी किस मुद्दे के साथ और कौन सा 5 साल का मैनिफेस्टो है, इन तमाम बातों के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं बरारी टोला पंचायत में, जहाँ पे BDC पद के प्रत्याशी हरिराम आज हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे जो इनको जन समर्थन देखने के लिए मिल रहा है और किस मुद्दा पे यहाँ की जनता इन्हें जन अपना समर्थन दे रही है, और जो 5 साल का इनका मैनिफेस्टो है, ये किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहा है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। क्या बोल, नमस्कार सर। नमस्कार। तो जैसा कि चुनाव काफी नजदीक है, आप नॉमिनेशन भी करा के आए, तो इस वक्त जो भी नए प्रत्याशी आ रहे हैं, सब कोई अपना मुद्दा लेके आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो आप किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनता को सेवा करने के लिए और विकास करने के लिए। तो देखा जाए तो जितने भी प्रत्याशी इस वक्त आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना मुद्दा विकास का ही रख रहे हैं और इस मुद्दे के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सोच अलग है, ताकि हम पंचायत का विकास करें साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके। तो इन सब बातों में आपका सोच क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके अपने पंचायत के लिए? विकास के लिए। तो आपको जो जन समर्थन देखने के लिए मिल रहा है, आपके साथ महिलाएं काफ़ी संख्या में और पुरुष भी है, जैसा कि आपका आज नॉमिनेशन था, काफ़ी लोग गए थे, क्या लगता है इस बार वो सभी लोग अगर वोट में तब्दील होंगे तो आपके लिए चुनाव आसान होगा इस बार का? जी सर, आसान होगा। जनता से कब से जुड़े हैं आप? जनता से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता का सेवा आप हमेशा करते आए हैं? जी करते आए, नहीं पहले से भी मैं वार्ड सदस्य रह चुका हूँ। वार्ड सदस्य जी, दो बार। हाँ जी। तो आपको अगर यहाँ की जनता मौका देती है, BDC के पद पे बिठाती है, तो सर्वप्रथम अपने पंचायत में कौन सा काम करना चाहेंगे? पहले विकास करेंगे। जैसा कि देखा जाए तो इस पंचायत में सड़कों का स्थिति काफी जर्जर है, इस बारे में क्या सोचा आपका? सोचा गया कि उसको बनवा लें, सड़क बनवा लें। यहाँ भी दलित बस्ती ठहरती है, तो सर्वप्रथम अपने पंचायत में कौन सा काम करना चाहेंगे? पहले विकास करेंगे। जैसा कि देखा जाए तो इस पंचायत में सड़कों का स्थिति काफी जर्जर है, इस बारे में क्या सोचा आपका? सोचा गया कि उसको बनवा लें, सड़क बनवा लें। यहाँ भी दलित बस्ती है, यहाँ सड़क नहीं है, उसको सड़क से जोड़ने के लिए काम करूँगा। तो किस तरह का आपका जन समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता से? अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। सभी जाति धर्म के लोग आपके साथ हैं? जी सर, सभी जाति धर्म के हमारे साथ में रहते हैं। तो अभी तक तो आप वार्ड थे, तो एक गांव का विकास कर रहे थे, अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, BDC का पद होता है पूरे पंचायत का विकास करना, तो इन सभी जिम्मेदारियों को आप कैसे निभा पाइएगा? अच्छा से निभा लेंगे। तो अंत में आप बरारी टोला की पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बरारी टोला जो पंचायत है आपका, वहाँ की जनता से क्या अपील कीजिएगा? तो अंत में आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कर रहे हैं कि ये हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड को लेकर के हम विकास करेंगे, सभी आदमी को विकास करेंगे, पंचायत एक साथ लेकर के चलेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे यहाँ की जनता इन्हें किस उम्मीद पे समर्थन दे रही है। तो सर आप हमें बताइए, आप इन्हें किस उम्मीद पे समर्थन दे रहे हैं? हम इस उम्मीद पे समर्थन दे रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, ठीक है। पहले का वार्ड रहे हैं और अच्छा काम किए थे, एक बार नहीं दो बार रहे हैं, जब अच्छा काम किए तभी तो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी आगे उम्मीद है कि जनता इनका साथ दे, जब ये अगर BDC हो जाएंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये मतलब ये काम करेंगे पूरे पंचायत में।
तो क्या क्या लगता है कि आपको अपने पंचायत में कौन सा कार्य सर्वप्रथम होना चाहिए? देखिए, हमारे कार्य पंचायत में कई जगह सड़क अभी गली गली में बाकी है, ठीक है। सड़क का जो है कि वो निर्माण होना चाहिए, वो चीज़ हम इनसे जो है कि चाहेंगे कि वो कर लें और करें, ठीक है। और आगे बाकी जो भी मतलब इनके हैंड में जो बाकी जो भी काम होता है और जो भी काम है उसको हम उस हिसाब से लेके चलेंगे और उस हिसाब से करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, हम उनसे जानेंगे जो इनका पिछला 5 साल वार्ड को लेके रहा है वो कैसा रहा। तो चाची रहुआ बताई, जब ये वार्ड रहनी तब पूरा वार्ड के विकास कैले बनी? सब विकास कैले बनी, काम भइल बा। हाँ, सब काम भइल। तब तो बीडीसी से लड़त नहीं, तो कौन उम्मीद पर समर्थन देते हैं?